हेलो फ्रेंड, मेरे इस चैनल इंडियन खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है ब्रोकली की सब्जी। तो ब्रोकली की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक हरा ब्रोकली ली हूँ। मैं उसे धोकर इस तरीके से काट ली हूँ। मैं दो बड़े साइज के आलू ली हूँ, जिसे मैं इस टुकड़े में काट ली हूँ। मैं एक कप मटर ली हूँ और मैं दो बड़े साइज के टमाटर ली हूँ, जिसे मैं काट ली हूँ। दो बड़े साइज का मैं प्याज ली हूँ, जिसे मैं इस टुकड़े में काट ली हूँ। और मैं कुछ खड़े मसाले ली हूँ, जिसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ये अदरक का टुकड़ा है फ्रेंड, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं और 3 हरी मिर्च है। और ये सजाने के लिए मैंने धनिया पत्ती ली हूँ, जिसे मैं इस तरीके से काट ली हूँ। तो फ्रेंड, अब इसे हमें किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो मैं ऑयल इसमें डाल दी हूँ फ्रेंड। अब मैं इसमें साबुत जीरा डालूंगी। तो मैं साबुत जीरा इसमें डाल दी हूँ। जीरा को मैं थोड़ा लाल होने दूंगी। अब मैं कटी हुई प्याज डाल दूंगी। मैं कटी हुई प्याज डाल दी हूँ। प्याज को हल्के ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी। मैं ब्रोकली डाल दी हूँ। अब मैं आलू डाल दूंगी और मटर डाल दूंगी और इसे भून लूंगी। तो इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है और 5 मिनट भूनना है। मैं 5 मिनट इन सारी सब्जियों को भून ली हूँ। ये भुना चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर को भी मिला लूंगी। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, नमक स्वाद के अनुसार डालना है फ्रेंड। अब मैं इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसमें एक छोटी चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं पिसी हुई मसाला को डाल दे रही हूँ। जो मैंने खड़ा मसाला लिया था उसका मैं पेस्ट बना ली थी, उसे भी मैं इसमें डाल दी हूँ। इससे इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। मसाले को 2 से 3 मिनट भूनना है। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक दूंगी फ्रेंड। फिर मैं बीच में एक बार इसे चेक कर लूंगी। अब मैं इसका ढक्कन हटा दूंगी और इसका पानी मैं सुखा लूंगी। तो ये बनकर रेडी हो गया है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी सर्व करने के लिए और इसे मैं धनिया पत्ती से सजा दूंगी।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना ही खूबसूरत सब्जी बना है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बना है फ्रेंड। सो इसी तरीके से आप भी बनाएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड। थैंक यू।